महाराष्ट्र की राजनीति में पांचवें चरण का चुनाव आने वाले सोमवार को होना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल यही होगा, क्या माहौल है मध्य प्रदेश का? पांच चरण में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मैं प्रसन्नता के साथ बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे 29 के 29 लोकसभा मध्य प्रदेश की जीत चुकी है और इसी प्रकार का माहौल देश भर का है। पांचवें चरण के चुनाव के लिए मैं इसलिए आज बम्बई आया था और मुझे संतोष है कि हम अपने विजय अभियान को जारी रखते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की धरती पर आए हैं, इसी धरती पर आज शरद पवार एक मन से कहते हैं कि वीर सावरकर का लोकसभा के चुनाव में कोई महत्व नहीं है, किस तरह से देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वीर सावरकर का अपमान महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और ये घमंडिया गठबंधन को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। सर, जेपी नड्डा के एक अप्रत्यक्ष बयान को लेकर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि आने वाले समय में आरएसएस खत्म कर दी जाएगी, अब बीजेपी को उसकी आवश्यकता नहीं है। माननीय उद्धव जी अपनी शिवसेना जो तथाकथित रूप से कोर्ट में भी वो हार गए, उस पार्टी को बचा ले तो ही बहुत है। जनता उन पर भरोसा करती थी माननीय बाला साहब के टाइम तक, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़ करके जिस ढंग से स्थिति बनाई है जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बेहतर ही होगा वो अपनी पार्टी तक बात रखे। सर, स्वाति मालीवाल का मुद्दा जो है वो जोर शोर से चल रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्हें प्लांट किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जिस तरह से लगातार एक के बाद वीडियो सामने आ रहे हैं, अब तो विभव को गिरफ्तार भी कर लिया है, किस तरह से देखते हैं आप इस मुद्दे को? ये उसी प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने के बाद और जेल से आने के बाद कर रहे हैं। उनका सांसद, उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री खुद बंद हो रहे हैं जेल में। वो कानून को ही नहीं मानते इसलिए वो कोई भी बात करते हैं। अब महिला का अपमान उनके घर के अंदर हो रहा है, कुछ सड़क पे तो नहीं हो रहा, तो कोई कैसे प्लांट कर सकता है? और वो स्पष्ट करें ना खुद बोल के, क्यों नहीं बोल रहे, बच क्यों रहे हैं? अगर वो बच रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। कैमरामैन रवि के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।